नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। दमोह खतरों का खिलाड़ी बना नवीन खान, करते हैं जहरीले सांपों का रेस्क्यू। खबर मध्य प्रदेश के दमोह के हटा के अंतर्गत आने वाले मरिया दो क्षेत्र जहां पर पन्ना टाइगर रिजर्व बफर जोन लगा हुआ है। टाइगर रिजर्व होने के कारण आए दिन जंगली जानवर भालू, नीलगाय, लड़ैया, बाघ इत्यादि देखने को मिलते रहते हैं। कभी कभार ये जानवर पानी की तलाश में भटकते हुए ग्राम बस्तियों में भी पहुंच जाते हैं। ऐसे ही ग्राम बस्तियों में जहरीले जीव जंतुओं जैसे कि सांपों ने भी अपना डेरा बसा लिया है। लगातार किसी भी मौसम में सांपों के निकलने की खबरें आती रहती हैं। बफर क्षेत्र होने के कारण अनेकों जहरीले सांपों को देखने का मौका भी ग्रामीणों को मिल जाता है। जब भी कहीं कोई सांप का निकलने की खबर पन्ना टाइगर स्टाफ या पुलिस बल को मिलती है तो फिर नवीन खान को ही याद किया जाता है। दरअसल नवीन खान मरियादो के निवासी हैं और छोटा मोटा करतब करके अपने घर का गुजारा करते हैं। आपको बता दें कि नवीन खान सांपों व अन्य जीव जंतुओं का रेस्क्यू करने में माहिर हैं। वह बचपन से ही जहरीले कीड़े मकोड़े जैसे सांप, हुआ और गुहेरे इत्यादि पकड़ने में माहिर है। आए दिन ग्राम बस्तियों में निकलने वाले सांपों का रेस्क्यू करने के लिए नवीन खान को ही बुलाया जाता है। वह बखूबी अपनी विद्या से सांपों को पकड़कर जंगलों में छोड़ देते हैं। नवीन खान ने अपने इस काम के लिए शासन से गुजारा भत्ता मिलने की मांग की है। आइए जानते हैं नवीन खान ने क्या कहा। संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। भैया क्या नाम है आपका? नवीन खान। वैसे आप क्या करते हैं? घर का छोटा मोटा काम करते रहते हैं और कहीं से कॉल वॉल आ जाए तो जहरीले जीव पकड़ने जाते हैं। गांव बस्ती देहात कहीं भी कॉल आ जाए तो छोटे मोटे पकड़ने जाते हैं। ये आपको जंगली जीव जंतु रहते हैं, इनको पकड़ने में डर नहीं लगता? नहीं, बचपन से ही मेरा शौक था इनको पकड़ने का, सुरक्षित जंगल में छोड़ें। वनभाग वाले भी मेरी मदद लेते हैं, छोटे मोटे कहीं भी अगर अजगर निकल आए तो मुझे ही कॉल करते हैं। तो आपकी सरकार से क्या मांग है? सरकार से मेरी यही मांग है कि छोटा मोटा कुछ लाभ मिले तो फिर जीवन जीवन का